सॉफ्टवेयर जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। और कैसे लग रहे हैं बैक मसाजर? बाकी इसको घुमा लेंगे तो कमर के लिए। हाँ देवी का क्या रिव्यू है फिर? यू लाइक इट? भाई काम कैसे कर रहा है यार? सर एक पेंसिल बैटरी पे रोटेट होता है डबल साइड, नेवर रेडी निप्पो डेरासेल। कोई भी एक पेंसिल बैटरी लगाएंगे और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। जी 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 जी। आप कोई भी टॉय लेते हैं ना चाइनीज रहता है, मेड इन इंडिया डेली में मैन्युफैक्चर होता है और यहाँ इसको प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए स्वास्तिक बनाया हुआ है, ये 101 पीस से बनेगा। अगर इससे बड़ा बनाना है तो ये बिग साइज का बॉक्स है, इससे बनेगा। तो आप अगर किसी का ये और फिर ये ले लो तो दोनों को साथ में भी मिला सकते हैं? दोनों को साथ मिला लो। बेसिकली एक मोटर से एक घूम रहा होता है? जी सर, एक ये मेन पार्ट है इसका, ये ग्रीन वाला इससे रूटेड होगा, बाकी का गियर टू गियर कनेक्ट करने से पूरा मूव करेगा। तो ये भी ऐसे ही है? हाँ, ये बिग साइज है। अगर ये हमारा बड़ा वाला बॉक्स लेंगे इससे ये बिग साइज का बनेगा, और इससे भी बड़ा बनाना है तो ये दो ले लो। अच्छा। तो गाइस हॉल 12 और 12 पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और अब हम हमारे सामने वाले व्हिच इज हॉल 11 आई सपोज। या दिस इज 11 आई सपोज। यस, सो अब हम लोग जा रहे हैं हॉल 11, और यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, फुटवेयर एंड आईटी से रिलेटेड चीजें हैं, और हम कुछ भी नहीं लेंगे। दैट माइट बी ट्रू, बट हम आपको इंटरेस्टिंग चीजें जरूर दिखाएंगे जो हमने पहली बार देखी होंगी और आप शायद आप भी पहली बार देखेंगे। पोर्टेबल आयरन मिला है व्हिच इज लाइक एज बिग एज माय हैंड। डिजाइन, हाँ वही डिजाइन बहुत प्यारा है इसका, मतलब पकड़ भी रहा हूँ तो फिर पीस नहीं कुछ पकड़ा हुआ है। यार आपके यहाँ पे ये डर्मा रोलर है, इसको आजकल बियर्ड रोलर, बियर्ड ग्रोथ के लिए, मतलब ये मिथ है कि मल्टीपर्पस है। हाँ मल्टीपर्पस, आपके बाल ना आ रहे हो तो आप डर्मा रोलर यूज करो, बाल आने यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। अगर कोई आपके दाग भी है दाग तो इवन आपकी सारी बॉडी का ना इलाज स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे। पैची बियर्ड आ रही है, कहीं पे बाल नहीं आ रहे, आप वहाँ पे डर्मा रोलर यूज करोगे तो उसका भी काम हो जाता है। और ये क्या चीज़ है? पानी बॉटल। हाँ, एक कैन बॉटल है, इसमें आप स्लाइड से कर सकते हो, यहाँ से नॉर्मल 500 ml का बॉटल है, प्लस में एक मतलब फैशन करने का यहाँ से कैन जैसा है। कैन तो आपने इसमें आपको कॉफ़ी डालना है और अपना पाउडर डालना है, दूध डालना है, सब कुछ करना है। ये मत कहना मिक्स अपने आप हो जाता है अपने। क्या बात करो, कैसे भैया? बस इसके अंदर वो है तो कहीं घूमता है ये? यस, ये यहाँ से इसका पावर बटन है। अच्छा, ये दिखाओ यार, ये तो कुछ बहुत सही चीज़ है। तो इसके अंदर एक छोटा सा आपको बीच में नॉब दिख रहा होगा, इसमें आप कॉफ़ी डालो, दूध डालो, पानी डालो, चीनी डालो, यहाँ पे बटन है, इसको दबाओ। चम्मच की जरूरत नहीं है, चम्मच की जरूरत नहीं है यार, ये तो बहुत सही चीज़ है भैया। और ये कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के पर्पस के, गिफ्टिंग के पर्पस के लिए काफी अच्छा है। ये तो सही है, सेल्फ स्टरिंग मगा आ रहा है। प्रो ऑल 11 13 के क्या चीज़ है भाई? मतलब गैस एंड ग्रिल है। अच्छा, गैस एंड ग्रिल दोनों साथ में? इसको गैस के ऊपर रखना पड़ता है। अच्छा, घर का जो गैस का स्टैंड होता है, गैस स्टैंड के ऊपर रख दो, यहाँ पर एक कप पानी डालना होता है। अच्छा, प्लस प्लस आपका स्टीम से भी बनेगा खाना। अच्छा अच्छा, अभी स्टीम कुक भी होता रहेगा साथ में? हाँ। अच्छा, इसको कुक कर दिया, अब जो भी आपको बनाना है सब इसके ऊपर बनेगा। अच्छा, जैसे इसमें आप रोटी नान पराठा जैसे नॉर्मली तौर पर बनाते हैं वो चीज़ भी इसमें बन जाएगा। इसके अलावा जैसे आजकल मार्केट में मैकिन के फ्रोजन आते हैं, रोटी नान चपाती पराठा पापड़ सेकना है, ब्रेड टोस्ट करना है, पिज्जा बनाना है, वो भी इसमें कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है जो पकने में इसमें नहीं पक सकती है, कोई ऐसी चीज? हाँ, जैसे दाल चावल नहीं पक सकती, और उसके अलावा कुछ रेडी टू ईट फूड होता है वो आराम से बनता है? वो तो सब कुछ बना, अगर कोई केमिकल रिलीज नहीं, कोई भी नहीं। ये देखो हमारा ये डेमो पीस है, देखो। जी 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 जी, तो इसमें कोई केमिकल नहीं रिलीज हो रहा, खाने में कुछ नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा, देखो पानी खत्म हो जाता है। अगर कंटिन्यू कुकिंग कर रहे हैं, पानी खत्म हो रहा है तो ऊपर से डायरेक्ट डाल भी सकते, ये नहीं कि उठाने की जरूरत है, डायरेक्ट ऐसे डाल। अब आपको कोई वजह, आपको नॉन वेज बनाना है या कोई टिक्का आइटम बनाना है या कोई फ्लेवर भी चाहिए ना, तो इसमें जूस ऐड कर दो थोड़ा,
क्या बात करो, जूस डाल दो, रियल जूस डाल दो, उसका फ्लेवर है सच्ची में यार। ये तो फिर बढ़िया सही आइडिया है ये अपना, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो हम बता रहे वही नहीं बनेगा, उसके अलावा भी बनेगा, क्योंकि भाई वो इवेपोरेट हो गया तो खाने में आएगा। सही कह रहे हो, रियल जूस डालो, इवेपोरेट हो गया। अब जैसे ये है, अब इसमें साइड में कोयला डाल दो जी, कोल का फ्लेवर आएगा, जैसे चिकन वगैरह बनाना है। सही कह रहे हो, सही है। दो तीन पीस इसमें कोयला रख दो, उसका फ्लेवर आ जाएगा। केरला का है। और ये कौन कौन से फ्लेवर है आपके पास? बादाम, ये अमरूद है, अंजूर, अंजूर मैंगो, अच्छा मैंगो ग्रीन, अच्छा अंगूर, और बादाम, प्योर बादाम, अच्छा बादाम ड्राई फ्रूट्स, ये मैंगो अंगूर, मैंगो कैसे हुआ, कैसे रहा है? हॉट एयर से, किसके थ्रू? गर्म हवा से, करंट से चल रही है। हाँ, अंदर से गर्म हवा से सब बनता है। एक तरीके से एयर फ्रायर ही है सर, मल्टी में करें। एयर फ्रायर में जो जो आइटम नहीं बनता ना, ये इसमें बन जाएगा। और फिर अपने आप निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। बिना आयल के, बिना आयल के ये आपको सेम पपड़ है। अभी मसाला वाला चाहिए हल्का, तो एक दो ड्रॉप बटर, घी, मिर्ची, नमक, अदरक। इससे पहले हम हॉल 12 में थे, और हॉल 12 ए में थे, जहाँ पे आपकी ब्यूटी रिलेटेड एंड कॉस्मेटिक रिलेटेड आइटम्स हैं। बट हॉल 11 इज़ अ वेरी 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 डिफरेंट हॉल फ्रॉम ऑल द अदर हॉल्स, बिकॉज यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं विच आर इनोवेटेड एंड विच आर क्रिएटेड बाई एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। इट फॉर दिस वीडियो गाइज, ये था हॉल नंबर 11। यहाँ पे मेनली आईटी से रिलेटेड चीज़ें थी, और हमें बहुत सारी कूल कूल चीज़ें मिली हैं। हम लोग वापस आएंगे, कुछ चीज़ें लेके जाएंगे। आज हम वीडियो बनाने के लिए आए थे, तो हमने कुछ नहीं खरीदा एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेसरीज एंड अ फ्यू लिटिल थिंग्स। या इसने एक बैग ले लिया है। बट दैट वॉज हॉल नंबर 11। सी यू इन अनदर वन, एंड आई होप यू लाइक इट। और मैंने प्रगति मैदान को हॉल बाय हॉल भी कवर करने की कोशिश करी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे, और इस वीडियो में शायद यहाँ पे और इसके शक्ल के ऊपर आ रहे होंगे। तो क्लिक करिए और बाकी वीडियोस भी देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन अनदर वन। जय हिंद एंड बाय बाय।